साथियों महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन चार वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा तुम्हारा वर्ण कौन सा है, तो वे बताते हैं मैं क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी दो ही वर्ण हैं ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है ओबीसी लोग ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण राक्षस गण। उदाहरण के लिए एक कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है, इसी वजह से उन्हें सही गलत दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। अध्याय 8 वर्ण 3 है या 4। नंबर 1 आदिकाल से ही आर्य समुदाय में वर्ण व्यवस्था मौजूद रही है जिसे सभी हिंदू तथा पश्चिमी विद्वान स्वीकार करते हैं। यदि पिछले अध्याय में वर्णित इस आधार को कि शूद्र क्षत्रिय थे स्वीकार किया जाए तो यह सिद्धांत गलत है। यदि ऐसा है तो कभी केवल 3 वर्ण ही थे अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इससे एक समस्या का समाधान हो तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, पता नहीं इसका महत्व कोई समझेगा या नहीं। यह कहा जाता है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि आदिकाल में केवल 3 वर्ण थे तब तक यह नहीं माना जा सकता कि शूद्र क्षत्रिय थे। सौभाग्यवश इसका प्रमाण मौजूद है कि आर्यों में आदिकाल में केवल 3 ही वर्ण थे। काश मुझे कोई सिद्धांत मिल जाता जिससे मैं यह समस्या हल करने का वायदा निभा पाता, किंतु इससे एक और समस्या हो जाती है। सौभाग्य की बात है इस बारे में मुझे पुख्ता सबूत मिले हैं कि शुरू में आर्यों के केवल 3 ही वर्ण थे। पहला प्रमाण ऋग्वेद का है, मैं उसी का विश्वास करता हूँ। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनका मत है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बहुत समय बाद का क्षेपक है। यदि यह मान भी लिया जाए कि पुरुष सूक्त बाद का क्षेपक है तभी भी यह नहीं माना जा सकता कि ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के साथ इस व्यवस्था का विरोधाभास है क्योंकि पुरुष सूक्त के अतिरिक्त कई स्थानों में ऋग्वेद में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन एक साथ आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के लिहाज से 15 बार और क्षत्रियो का 9 बार आया है, परंतु शूद्र का नाम इस अर्थ में कहीं नहीं आया कि वह एक वर्ण का नाम है। यदि किसी विशेष वर्ण का नाम शूद्र होता तो ऋग्वेद में उसका जिक्र अवश्य आता। इससे यही परिणाम निकलता है कि शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण नहीं था। दूसरा प्रथम तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण का है, दोनों ब्राह्मणों में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शूद्रों के पृथक वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। शतपथ ब्राह्मण अध्याय 2:1-4:11 में कहा है, भूः कह कर प्रजापति ने पृथ्वी को बनाया, भूः कह कर वायु और स्वः से आकाश को बनाया। ये तीनों शब्द और ब्रह्मांड एक साथ ही बने। तीनों के साथ अग्नि को बनाया, भूः उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया, भूः कह कर क्षत्रिय को और स्वः से वैश्य को बनाया। सबके साथ अग्नि को बनाया,
भूह कहकर प्रजापति ने स्वयं को बनाया। भूह से प्राणियों को और स्वह से पशुओं को बनाया। दुनिया प्रजापति प्राणी और पशुओं की है और अग्नि तीनों की है। तैतरीय ब्राह्मण अध्याय 3:12-9 में लिखा है, सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई, ऋग्वेद से वैश्य बने, ऋग्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए, ऐसा प्राचीन समय में कहा गया है। ऋग्वेद और दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है? जिनकी मान्यता देववत है, दोनों श्रुति है, दोनों में केवल 3 वर्ण का उल्लेख है। शूद्र का पृथक वर्ण होना अथवा चतुर्थ वर्ण होना का कोई कथन नहीं है। मेरे कथन पर इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि मूलतः 3 ही वर्ण थे। नंबर 2, मेरा ऐसा प्रमाण है लेकिन इसके प्रतिकूल पुरुष सूक्त है जिसमें कहा गया है कि 4 वर्णों का आदिकाल से अस्तित्व है। किसे सही माने? मीमांसा के सिद्धांतों के अनुसार तो पुरुष सूक्त के 4 वर्ण और उक्त ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ण के सिद्धांत दोनों को मानना पड़ेगा, परंतु यह अनुचित बात है। वर्ण 3 भी है और 4 भी, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है। अतएव इतिहासकारों के मत को मानना पड़ेगा कि कौन पहले बना। क्या पुरुष सूक्त असली ऋग्वेद के बाद बना? इसके लिए पुरुष सूक्त तथा बाकी ऋग्वेद की भाषा का मिलान करना पड़ेगा। सभी विद्वानों का मत है कि पुरुष सूक्त बाद का बना है। कोलब्रुक का कथन है, यह मंत्र अर्थात पुरुष सूक्त के छंद तथा शैली और भाषा शेष ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से सर्वथा भिन्न है। यह अधिक अर्वाचीन प्रतीत होता है। यह उस समय बना होगा जबकि संस्कृत भाषा और व्याकरण काफी परिष्कृत हो गई। इसकी भाषा से यही पता चलता है कि पहले अधिकांश मंत्र सहज लोक भाषा में लिखे गए और वेदों का वर्तमान संकलन उस समय का है जब छंदों का प्रयोग होने लगा और पुराणों तथा काव्यों में गेय मंत्र का श्लोक लिखे जाने लगे। प्रोफेसर मैक्स मुलर का मत है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। उदाहरणार्थ 9वें मंडल का 9वां मंत्र लक्षण और शैली की दृष्टि से अर्वाचीन है। इसमें यज्ञ के कर्मकांड की संपूर्ण झलक है। इसमें तकनीकी दार्शनिक शब्दावली है। इसमें 3 ऋतुओं का क्रम इस प्रकार है, वसंत, ग्रीष्म और शरद। ऋग्वेद का मात्र यही प्रसंग है जहाँ 4 वर्ण गिनाए गए हैं। इस संकलन के अर्वाचीन होने की सशक्त संभावनाएं हैं। उदाहरणार्थ ग्रीष्म का ऋग्वेद में अन्यत्र उल्लेख नहीं है। प्राचीन वैदिक मंत्रों में वसंत शब्द भी नहीं मिलता। ऋग्वेद अध्याय 10:161-4 में इसकी एक आवृत्ति है जहाँ 3 ऋतुएं शरद, हेमंत और वसंत ही कही गई है। प्रोफेसर बेबर का कहना है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में मंत्रों में सबसे बाद का जुड़ा प्रतीत होता है, यह उसकी सामग्री से स्पष्ट है। फिर साम संहिता में इससे कोई मंत्र नहीं लिया गया, यह भी एक प्रमाण है। नवगेय सिद्धांत में यद्यपि निश्चयात्मक रूप से नहीं, फिर भी उसने पहली अर्चिका के 7वें प्रभातक में पहले 5 मंत्र ही लिए हैं, यह एक विशिष्टता है। नंबर 3, यह एक तर्क है जो हमें यह निर्णय लेने में मदद करता है कि पुरुष सूक्त बाद में बना या पहले। इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि वेदों की कितनी संहिताओं ने पुरुष सूक्त को अपनाया है। अध्ययन करने पर वेद और संहिताओं की स्थिति इस प्रकार है। इसके सामवेद के केवल 5 मंत्र है, श्वेत, यजुर्वेद और यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में पुरुष सूक्त के मंत्र है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के केवल 16 मंत्र है, परंतु वाजसनेयी संहिता में 22 मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद की 3 संहिताएं तैतरीय, कट और मैत्रायणी में से किसी में भी पुरुष सूक्त नहीं है। केवल अथर्ववेद में ही पुरुष सूक्त ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। भिन्न भिन्न वेदों में पुरुष सूक्त के मंत्रों की संख्या क्रम और पाठ 3 क्रम से नहीं है। वाजसनेयी संहिता में अंतिम 6 मंत्र अधिक है, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में नहीं पाए जाते। किसी प्रकार अथर्ववेद के सूक्त का 16वां मंत्र न ऋग्वेद में पाया जाता है न यजुर्वेद में। 15 मंत्र भी 3 वेदों में समान नहीं है।
और न ही उनका क्रम एक समान है। यह भिन्नता निम्नलिखित सूची से प्रकट होगी। इसी सूची में इस चिन्ह का तात्पर्य है नहीं पाए जाते, और चिन्ह प्लस का अर्थ है पाठांतर है। देखिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्थिति यह है कि यदि पुरुष सूक्त प्राचीन होता तो अन्य वेदों में इस तरह की स्वतंत्रता के साथ उसकी काट छाट का अवसर न होता। विभिन्न वेदों में पुरुष सूक्त का स्थान भी बहुत महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मिश्रित भाग में पाया जाता है। यदि यह पुराना होता तो क्या उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी? क्या इसमें ऐसी काट छाट की जा सकती थी? विभिन्न वेदों में पुरुष सूक्त का स्थान अलग अलग है। ऋग्वेद में यह विविध रूप में दिया गया है, अथर्ववेद में यह पूरक परिशिष्ट है। इसमें भेद क्यों है? अस्तु, इस गड़बड़ का परिणाम यह निकलता है कि एक, चूंकि पुरुष सूक्त कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता कट और मंत्र यानी संहिता में नहीं पाया जाता, इसे यह सिद्ध है कि इन संहिताओं के बाद यह सूक्त ऋग्वेद में जोड़ा गया। नंबर दो, चूंकि यह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के परिशिष्ट भाग में डाला गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह इसके बाद बना। नंबर तीन, चूंकि और वेदों के सूक्तों में मनमानी काट छाट और पाठांतर किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि यह प्राचीन मंत्र नहीं था और न ही उसकी उतनी प्रतिष्ठा थी। इन बातों से साझा साक्ष्य मिलते हैं जो प्रोफेसर मैक्स मुलर और अन्य विद्वानों के पक्ष में जाते हैं कि पुरुष सूक्त क्षेपक है। नंबर चार, पुरुष सूक्त के मंत्रों की रचना शैली में भी अंतर है। सब मंत्र तो एक सिलसिले में है, परंतु मंत्र 11 और 12 प्रश्नोत्तर के रूप में है। ये दो मंत्र वर्णोत्पत्ति को बताते हैं। एक व्याख्यात्मक क्रम में यह व्यवधान क्यों आया? ऐसा प्रतीत होता है कि वे दो मंत्र बाद में सूक्त के बीच जोड़ दिए गए, अतएव केवल पुरुष सूक्त बाद में ही नहीं जोड़ा गया, उसमें समय समय पर और मंत्र भी जुड़ते रहे। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि पुरुष सूक्त तो क्षेपक है ही, उसके कुछ मंत्र और भी बाद में इसमें जोड़े गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पुरुष सूक्त प्रपंच है, जाली है, और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता को बघारने के लिए इसमें जोड़े है। पुरोहितों ने कई जाल साजिया की है, ऐसे प्रपंच ब्राह्मणों ने बहुधा रचे हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर का कथन है कि ऋग्वेद में अग्रे का अग्नि बना दिया गया, जिससे विधवाओं के जलाने का अर्थ निकलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक अभियोग में वादी के समर्थन में एक स्मृति ही रच दी गई, इसलिए कोई विस्मय नहीं कि 11वें और 12वें मंत्र रच कर जोड़ दिए गए और बाद में चौथा वर्ण टपक पड़ा और वेद में चातुर्वर्ण की प्रतिस्थापना हो गई। पांच, क्या पुरुष सूक्त ब्राह्मण ग्रंथों के पहले बने? यदि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भाग है तो यह ब्राह्मणों से पहले बना होना चाहिए। यदि ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथों से पहला है तो पुरुष सूक्त भी पहले का ही होना चाहिए। अतएव इसका भी अलग से अनुसंधान रचित है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने वैदिक साहित्य का क्रम इस प्रकार बताया है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण और फिर सूत्र बने। यदि यह कथन सत्य है तो पुरुष सूक्त ब्राह्मणों से पहले बना। प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रोफेसर मैक्स मुलर के सिद्धांत को अक्षरशाह मान लिया जाए? यदि माना जाए तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। नंबर एक, ऋग्वेद के समय में 4 वर्ण थे, परंतु शतपथ ब्राह्मण के समय केवल 3 ही वर्ण रह गए। या नंबर दो, यह कि शतपथ ब्राह्मण में पूरी व्याख्या नहीं है। पहला परिणाम तो प्रत्यक्षतः असंभव है, इस तरह पहला प्रश्न व्यर्थ है। दूसरा भी इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि दोनों ब्राह्मणों में पुरुष सूक्त के विषय में मतभेद है, वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्णित है। अतएव मैक्स मुलर का कथन माने तो चारों वैदिक संहिताओं के बनने के बाद ब्राह्मण बने सर्वतः निराधार है और मानने योग्य नहीं है। इसके विपरीत
बेलोलकर और रानाड़े का कहना है कि कुछ अंश वेदों के पहले और कुछ बाद में बने। अस्तु ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ अंश भी वेदों की समाप्ति के पहले बनना असंभव भी नहीं है। यदि यह ठीक है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ शतपद और तैतरीय ब्राह्मण जिनमें केवल 3 वर्ण का वर्णन है, पुरुष सूक्त से पहले बने पुरुष सूक्त के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में एक क्षेपक है, इसलिए यह कोई तर्क नहीं कि आर्य समुदाय में शुरू में ही 4 वर्ण थे। उपरोक्त तर्कों के आधार पर मेरे इस सिद्धांत में शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई समस्या नहीं है। जैसा कि अध्याय के आरंभ में कहा गया है, यदि कोई समस्या आती भी है तो इसका कारण यह समझ लेना है कि पुरुष सूक्त मान्य है। यह बता दिया है कि यह कल्पना निराधार है, इसलिए मुझे ऐसा समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि आर्यों के केवल 3 वर्ण थे और शूद्र दूसरे वर्ण क्षत्रिय से संबंध थे। शूद्र कौन थे, इस पुस्तक का अध्याय 9 ब्राह्मण बनाम शूद्र हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगा।